मैं जितेंद्र भड़ाना सेवर ऑली ट्रस्ट से। आज हम लोगों ने सारे जो पाली, मोहब्बताबाद, मांगर, पाखल, नयागांव, बास, मांगर, बंधवाड़ी, इन गांवों के लोगों ने अलग अलग जगह पंचायतें की हैं, विशाल पंचायतें की हैं। अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सारे जो गांव के महिलाएं हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और मुद्दा था कि हरियाणा सरकार द्वारा जबरदस्ती करके अरावली में जो बूचड़खाना और जो कसाईखाना, जो गार्बेज हाउसेस जो बनाए जा रहे हैं, उनके हम लोग खिलाफ हैं। क्योंकि ये जो जगह है, ये चरवाहे के लिए है, गायों के लिए है, हमारे पूरे फरीदाबाद का इससे पानी आता है, पूरे फरीदाबाद के लिए इससे साफ हवा मिलती है। और ये एक प्राकृतिक संपदा है हमारे पास, जिसमें कि नगर निगम के अफसरों द्वारा पहले क्रेशर बनाया गया, जो कि बहुत गलत तरीका से हैं चल रहे हैं। कागजों में कुछ और दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई उनकी कुछ और है कि एक भी क्रशर ढका हुआ नहीं है। इतनी धूल उठती है कि वहां पे सिल्कोइसिस से कोई, अभी 60 लोगों के टेस्ट हुए तो 60 में से 38 लोगों को सिल्कोइसिस मिला, जिसपे कि नगर निगम चुप है। तो उन गाँव में पशु पालना, खेती करना, लोगों में मतलब वो तो सब बंद ही हो चुका है। प्लस में कैंसर से, टीबी से, सिल्कोइसिस से जितने लोग मर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद पूरे हरियाणा का हजारडस वेस्ट प्लांट यहाँ पे लगाया गया, जिसकी वजह से आज पानी वहाँ पे कड़वा हो चुका है। आप कहने को तो नगर निगम वाले ये बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पानी खालों में, जो वहाँ पे जो कच्चे खड्डे हैं, उनमें छोड़ देते हैं, जिससे कि वो पूरे जमीन को कंटेमिनेट कर रहा है। तीसरा जो सब लोगों के सामने है, वो है बंधवाड़ी का जो कचरा घर। सो बंधवाड़ी के कचरा घर का तो शायद कोई भी आदमी दिल्ली एनसीआर में, क्या पूरे इंडिया में, मतलब सभी को पता है कि वो इतना ही बड़ा एक दुखदाई चीज है हमारे लिए कि आप गुड़गांव रोड से निकलो तो आप मतलब कितने भी अच्छे एसी में हो तो आपको बदबू जरूर आएगी। ये तो एक बदबू की बात रही, लेकिन वहां पे जो गोल लोग जो है वो छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। बच्चों की शादियां नहीं हो रही है वहां पे, कोई लोग अपने बच्चों की शादियां नहीं करते हैं उन गाँवों में। कैंसर से अभी रिसेंट में भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर वालों ने बोला है कि यहाँ पे 15 लोग जो मरे हैं, वो जिनका मेन कारण था वो था गंदा पानी पीना। पहाड़ों में रह के ऊंचाई पे रह रहे हैं, साफ हवा में रह रहे हैं और गंदा पानी पी रहे हैं। दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस अरावली का जो गार्बेज यार्ड, जो नगर निगम वालों ने जबरदस्ती करके हमसे बनवाया। चौथी चीज कि पिछले 4 साल पहले भी इन्हीं लोगों ने, इन्हीं अफसरों ने जबरदस्ती करके कचरा घर एक और नया बनाने की बात करी थी, 92 एकड़ लेने की, जिसका कि सारे गांव वालों ने विरोध किया और उसको पता नहीं क्या उसका हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब उसके बावजूद भी, मतलब इतनी खिलाफत के बावजूद, इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है कि यहाँ पे कसाई खाना खुलवा दें, स्लॉटर हाउस, इसको एबटायर बोल के इन्होंने परमिशन लिए। केंद्र सरकार ने भी इनको परमिशन दे दी है, उन्होंने भी पता नहीं क्या देखा है क्या नहीं देखा है, क्या किस तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की गई है। और उसके बावजूद भी, इतने विरोध के बावजूद भी इन्होंने कसाई खाना खोलने का काम चालू कर दिया है। और वो कसाई खाना ऐसे जंगल में जहां से पूरे फरीदाबाद का पानी आता है। आप अगर गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आप देखें, मोहब्बताबाद पाली झरना, मोहब्बताबाद झरना, पाली झरना, मांगर झरना, वो उस इलाके से उनका पानी निकलता है। और इन नगर निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका पूरे देश में नाम है कि नगर निगम फरीदाबाद सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने सरकार को और बड़े जो सीनियर अथॉरिटीज हैं, मिनिस्ट्रीज को मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करके और ऐसी लोकेशन पे कसाई खाना खुलवा दिया जहां को केवल इनको कन्वीनियंस होनी है, बाकी पूरा इलाका सड़ सड़ के मरेगा। आप आज मेरी बात का विश्वास करें, वहां पे जंगल काटा जा रहा है, ऐसा जंगल काटा जा रहा है जो पूरे फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में इकलौता बचा हुआ है। वहां से पानी निकलता है, पूरे फरीदाबाद का पानी निकलता है, झरनों का पानी निकलता है। उन झरनों का, जहां पे भी पानी निकलता है, जहां झरने बने हुए हैं, उनमें धार्मिक स्थल है, मंदिर है, वहां पुराने पता नहीं हजारों हजारों साल, 5-5 हजार साल पुराने मंदिर है, जहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। भगवान पाराशर की आप तपोभूमि समझें, भगवान मनु की आप कहीं हिस्ट्री पढ़े तो वहां पे मिलेगा, वहां पे पत्रों में लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है। धार्मिक संवेदनाएं हैं लोगों की, हिंदू धर्म से सारे जुड़े हुए लोग हैं। और उसके बावजूद, इतनी खिलाफत होने के बावजूद, इतनी समझदारी होने के बावजूद, इन्होंने टॉप ऑफ द हिल कसाई खाना खोलने का प्लान बना दिया। 4 दिन से वहां पे जेसीबी चल रही है, एग्जीक्यूटर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इस विरोध में, इस इन मुद्दों को सामने रखते हुए आज पाली, मोहब्बताबाद, पाखल, नयागांव, बास, गोठड़ा, मांगर, बंधवाड़ी, इन सब गांवों के लोगों ने, सैनिक कॉलोनी, भाकरी, नवादा, इन सब गांवों के लोगों ने पंचायत की है अलग अलग जगहों पे। और सबका कहना एक ही है कि अगर बीजेपी सरकार ने हमारे साथ ऐसा कुछ अब की बार किया तो हम यहाँ पे बीजेपी का खुलकर विरोध करेंगे। और नगर निगम को किसी भी हालात में ये बूचड़खाना, कसाईखाना, स्लॉटर हाउस, एबिटर कुछ भी नहीं बनने देंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे सरकार की खिलाफत करना पड़े। धन्यवाद।